हमेशा की तरह आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर आप लोग बीजी मैन पबजी मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स ग्लिच वाले वीडियो देखना पसंद करते हो तो फिर आप लोग आईएनडी अमोल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोग स्पॉन आइलैंड पे एक फन वाली ट्रिक करना चाहते हो तो आपको फटाफट से इन स्लोप वाली स्टूडियो पे चढ़ जाना है, एक राइट मार के दूसरा राइट मारना है एंड आपको एक जिप लाइन दिखेगी, जिप लाइन के ऊपर भी आपको क्लाइंब कर लेना है एंड यहाँ से जंप लगाना है कैंपिनेंट के ऊपर। और जैसे ऐसा करोगे तो फिर आप लोग गोल 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 घूमने लगोगे भाई, इतना स्पीड में घूमोगे ना कि पूछो ही मत। और भाई अगर अभी तक आप लोग ने ये वाला चीज ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है ना। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस वाले पॉइंट में अपन एक ग्लिच के बारे में बात करेंगे एंड ये जो शेल्टर का डोर है ना इसको पहचान लो एक बार, देख लो मेरे आगे पीछे क्या है। तो ये जो मेरे पीछे है ना वो शॉप वाली बिल्डिंग है एंड उसके शॉप के अपोजिट ये वाला डोर लगता है, ठीक है ना, शेल्टर का। तो फिर आप लोग को मैप में भी दिखा देता हूँ, देख लो शॉप के बिल्कुल सामने वाला डोर है, ठीक है ना। फिर आपको इसी वाले डोर से एंटर हो जाना है भाई, किसी वाले भी डोर से मत होना एंटर, नहीं तो यार कन्फ्यूज हो जाओगे। तो फिर इसी वाले डोर से एंटर होना और बिल्कुल डोर के सामने कुछ ऐसे बक्से दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर एक ग्लिच वर्क करता है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक स्काई टेटर हुक एंड एक ये शैडो ब्लेड, ठीक है ना। तो फिर शैडो ब्लेड आपको हाथ में पकड़ लेना है और भग के यहाँ पे खड़े होना है, ठीक है, स्प्रिंट लॉक करके एंड फिर क्राउच करना है और डैश वाली एबिलिटी को यूज़ करना है, ठीक है ना। फिर जब ऐसा करोगे तो फिर आप शेल्टर के आउटसाइड आओगे एंड फिर बाहर आ जाओगे, आपके साथ ग्लिच नहीं होगा। तो प्रॉपर ग्लिच करने के लिए वापस से फटाफट से चलते हैं एंड आपको बताते हैं कि क्या करना होगा। अब भाई ध्यान से देखो कि करना क्या है। तो आपको फटाफट से शैडो ब्लेड हाथ में ले लेनी है एंड भगते हुए इन बक्से के पास जाना है, यहाँ पे क्राउच करना है एंड डैश वाली एबिलिटी को यूज करना है। यूज करते ही आपको तुरंत से स्काई टेटर हुक को पकड़ लेना है हाथ में एंड यूज करना है। फिर आप लोग यहां पे अटक जाओगे और फिर जैसे ही आपका टाइमर खत्म हो जाए ना वापस स्काई टेटर हुक को कहीं और यूज करना और फिर आप लोग आसानी से एकदम सर्वाइव कर पाओगे इस शेल्टर गुफा के अंडरग्राउंड, ठीक है। हर एक न्यू अपडेट आने के बाद अपन बताते हैं कि शेल्टर गुफा के आउटसाइड कैसे जाना है। तो इस बार भी अपन ने इस वाली ट्रिक को कवर कर लिया है एंड यहां से बाहर निकलना काफी आसान है, बस आप हुक को कहीं पे भी बाहर की तरफ डबल टैप यूज कर दो एंड आप लोग उड़ते हुए बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो यार चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस वाले पॉइंट में अपनी शैडो ब्लेड के एक और फीचर के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जब भी आप हाथ में तलवार पकड़ते हैं एंड फिर आप लोग अटैक करते हो तलवार से तो जो आपका शील्ड है वो लाल हो जाता है, देख रहे हो भाई। तो आपको कभी भी यार तलवार को चलाते हुए आगे नहीं बढ़ना है, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर आपको एनिमी की बुलेट्स पड़ेगी। अगर आप लोग वहीं तलवार को न चलाते हुए बस ऐसे नॉर्मल भगते हो ना तो फिर आपको गोलियां नहीं पड़ेगी। तो देख लो अभी मैं बिना तलवार चलाते हुए भाग रहा हूँ एंड एनिमी जैसे ही मेरे को मार रहा है तो फिर देखो भाई एनिमी की गोलियां मैं रोक पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे तलवार को चलाता रहूँगा ना तो फिर मेरा शील्ड वाला काम नहीं करेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कभी भी आपको तलवार को चलाते हुए नहीं भगना है, बस ऐसे हाथ में लेके भगना है, तभी यार वो बुलेट्स को रोकेगा, नहीं तो फिर नहीं रोकेगा, ठीक है। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोग को तो पता ही होगी अगर कोई एनिमी हाथ में शैडो ब्लेड पकड़ा है ना हम लोग फायर करते हैं तो यार वो जो शैडो ब्लेड होती है वो सारी गोलियां रोक लेती है। जैसे कि अभी देखो मैंने हाथ में शैडो ब्लेड पकड़ी है, सामने वाले बंदे ने गोली चलाई एंड मैं शैडो ब्लेड से सारी की सारी गोलियां रोक ले रहा हूँ, ठीक है। अब भाई अपने को ये चेक करना है कि अगर सामने वाले बंदे ने हाथ में तलवार पकड़ी है और मैंने भी तलवार पकड़ी है तो फिर अगर मैं उसको तलवार से मारूंगा तो उसकी तलवार मेरी तलवार को रोकेगी या फिर नहीं। तो यहाँ पे मेरे शील्ड बार को फुल हो जाने देता हूँ, तो ये बात देखो शील्ड बार फुल हो गया तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है मेरे पे अटैक कर और फिर वो जैसे यहाँ पे मेरे पे अटैक करेगा तो ये देखो भाई यहाँ पे तलवार मेरी तलवार को नहीं रोक रही है। तो फिर याद रखना भाई तलवार तलवार को नहीं रोक सकती है। अगर कोई एनिमी आपके पास तलवार लेके आ जाता है तो फिर आपको भी अपनी तलवार निकालना है एंड उसको फेल पाल देना है वहीं पे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग ये चीज भी समझ गए होंगे। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब समझ लो भाई अगर आप लोग तलवार को पकड़ के गाड़ी में ड्राइविंग वाली सीट पे बैठते हो, ठीक है, एंड अपना मस्त जा रहे रहते हो और फिर उतने में ही अगर कोई एनिमी आपको गोली से मारता है ना तो फिर आपको डैमेज पड़ेगा, ठीक है ना, ड्राइविंग वाली सीट पे आपको डैमेज पड़ेगा। अब भाई अगर आप लोग ड्राइविंग वाली सीट पे ना बैठ के गेट इन करते हो, मतलब कि किसी अदर सीट पे बैठते हो तलवार को पकड़ के और फिर अगर कोई एनिमी गोली चलाता है ना तो भाई शैडो ब्लेड अपना कमाल दिखाती है एंड उन सारी बुलेट्स को रोक लेती है। तो फिर जब भी आप लोग ऐसा ब्रिज व्रिज क्रॉस कर रहे हो या फिर आपको गाड़ी से कोई बंदे दौड़ा लेते हैं ना तो ड्राइवर को छोड़ के सभी बंदे ने हाथ में तलवार पकड़ लेनी है, तो यार ये तलवार सभी बुलेट्स को रोक लेगी। तो आई होप आप लोग ये चीज भी समझ गए होंगे। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास स्काई टेटर हुक होता है एंड सारी चीजें इतनी दूर होती है कि आप लोग वहां तक नहीं जा सकते हो, तो ऐसे में आपके पास एक थ्रो करने वाला आइटम होना चाहिए जैसे कि नाइफ या फिर पैन, इनको हाथ में लेके ऊपर की तरफ देख के थ्रो कर देना है एंड तुरंत से अपने हुक को इस पे यूज करना है डबल बार और फिर आप हवा में उड़ने लगोगे और ऐसे में आप काफी दूर तक जा सकते हो। अगर आप लोग ब्रिज क्लाइंब करना चाहते हो तो अपना ग्लाइडर क्लोज कर देना, फिर आप लोग आसानी से ब्रिज पे आ जाओगे। भाई यहाँ से आप काफी लंबा आ सकते हो, देख रहे हो भाई कितना डिस्टेंस था और मैं कितनी आसानी से
से ऊपर से ऊपर आ गया है, समझ रहे हो। तो फिर अगर आप किसी एनिमी वगैरह को चकमा देना चाहते हो तो आप लोग इस प्रकार से दे सकते हो, उसको लगेगा कि भाई आप नीचे जमीन पकड़ के आओगे, लेकिन आप हवा में ही एक ट्रिक लगा के आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोग को तो पता है कि एरेंगल मैप में कुछ जगहों पर भाई ऐसे वाले गराज ऐड हुए हैं, तो भाई यहाँ पे आपको फटाफट से एक स्काई ट्रेडर रुक लेके आ जाना है, एंड यहाँ पे बिल्कुल डोर पे स्काई ट्रेडर रुक मारना है। फिर आप लोग इस डोर पे फंस जाओगे और फिर आप लोग यहाँ पे बैठ के कैंप कर सकते हो एंड किसी एनिमी के आने का वेट कर सकते हो, और फिर वो जैसे यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी निकालने आएगा तो फिर आप लोग उसको नॉक फिनिश दे सकते हो। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 3.0 अपडेट आने के बाद से गेम में कुछ चेंजेस हुए हैं भाई। कोई भी गाड़ी ना भाई उल्टी नहीं होगी, मतलब आप कितना भी उसको उड़ा दो घुमा दो वो पलटी नहीं खाएगी, मतलब ज़मीन पे जब गिरेगी ना तो ऐसे उल्टी नहीं गिरेगी भाई, वो सीधी हो जाएगी, अपने आप ही सीधी हो जाएगी। कोई भी गाड़ी ले लो, बाइक ले लो, थ्री व्हीलर ले लो, कुछ भी ले लो भाई, आप कहीं से भी उन गाड़ियों को उड़ाओ और फिर वो जब नीचे गिरेगी ना तो वो भाई सीधी हो जाएगी, वो चलाने की कंडीशन में रहेगी। पहले क्या होता था कि आप उन कहीं से भी गाड़ी ऐसे उड़ाते थे और एक बार भाई गाड़ी उल्टी हो गई मतलब पलट गई तो फिर आप उसको चला नहीं सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि आपकी गाड़ी उल्टी नहीं होगी, आप कैसे भी चलाओ आपकी गाड़ी पलटी नहीं होगी, वो अपने आप को सीधा कर लेगी, समझ गए। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो भाई यार ये वाला पॉइंट इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि यार आपको इस पॉइंट के बारे में पता है। तो यार जब भी हम लोग इस वाले आइलैंड पे फेंके जाते हैं तो भाई जब हम लोग यहाँ पे किल विल करते हैं ना तो वो काउंट नहीं होता है, तो यार ये चीज़ मैं काफ़ी लेट बता रहा हूँ। वैसे तो आप सभी को ये चीज़ पता ही होगी और भाई ये वाली वीडियो मेरी आने वाली थी अपडेट के एक दिन बाद, लेकिन यार कुछ कारण की वजह से भाई वीडियो नहीं आ पाई। वैसे मैंने इस वाले पॉइंट को कवर कर दिया ऐसे, मतलब करना नहीं चाहिए लेकिन कर दिया। चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक भाई ने कमेंट करा था कि आप 8 मिनट बाद वो प्रिजन जैसे दिखने वाले आइलैंड पे जा सकते हो, तो यार मैं बोट लेके जा रहा हूँ और ये जो आइलैंड खत्म होने में कुछ 7 सेकंड बाकी हैं, आप लोग मैप के नीचे देख सकते हो सेकंड्स चल रहे हैं, 3, 2, 1 और यहाँ पे लिख के आ चुका है कि रिस्पॉन बैटल हैज एंडेड, एंड अब जाके कोशिश करते हैं, देखते हैं कि जा पाते हैं या फिर नहीं। भाई जा पाऊँगा क्या मैं? ओ भाई यहाँ पे देखो एकदम नज़दीक आने के बाद यहाँ पे भाई एक इनविजिबल वॉल रहती है जो अपने को वहाँ पे जाने नहीं देती है। फिर से एक बार पीछे अपनी नाव लेता हूँ और पुश करता हूँ और अब देखते हैं, यार नहीं जाएगा भाई, नाव में से भी धुआं निकलने लगा है। तो खैर यार इस आइलैंड पे जाने का अभी तक कोई भी रास्ता अपने को नहीं मिला है, जैसे यार कोई भी रास्ता मिलता है तो फिर आपको यार मिल जाएगा चैनल पे वीडियो। तो यार आज के लिए बस नहीं करते हैं, एंड आप लोग ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो यार फॉलो कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैंने बोला था कि यार 5,000 फॉलोअर्स करवा दो, वैसे आप लोग ने 8,500 फॉलोअर्स करवा दिया, तो यार उसके लिए दिल से यार थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और भाई मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।